Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Accountable, Responsive and Legitimate Government of Class 10 Civics, Chapter Number 5. So last video में हमने ये discuss किया था कि कुछ ऐसे features होते हैं जो कि सारे democracy में common होनी चाहिए. कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो कि हम check कर सकें, जिनके basis पे हम ये देख सकें कि क्या कोई देश democratic है या नहीं है. तो कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे हम ये चेक करेंगे कि मतलब हमने ना एक चेकलिस्ट बनानी है कि ये चीजें अगर हैं तो हम उस देश को डेमोक्रेटिक बोलेंगे. तो कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि डेमोक्रेसी में होने ही चाहिए. तो उसका सबसे पहला जो फीचर है वो है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिव हो एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट हो, सही गवर्नमेंट हो, राइट. अब ये हम कैसे चेक करेंगे कि अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है, लेजिटिमेट है गवर्नमेंट, तो ये हम इस सेक्शन में देखने वाले हैं. सो देयर आर सम थिंग्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड. तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि डेमोक्रेसी को प्रोवाइड करवानी ही होंगी. इन अ डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न्ड विद इंश्योरिंग दैट पीपल विल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स एंड पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स. एक डेमोक्रेसी में हम सबसे ज्यादा जिस चीज के बारे में चिंतित रहते हैं, जिस चीज पे हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहता है, वो चीज है कि हम ये इंश्योर करें कि लोगों के पास ये राइट हो कि वो अपने रूलर्स को चूज कर सकें और अपने रूलर्स को कंट्रोल कर सकें. मतलब अगर हम कहते हैं कि किसी देश में डेमोक्रेसी हो तो हमारा सबसे बड़ा एम क्या रहता है कि उस देश के लोग अपने रूलर्स को चूज कर सकें कि उनके देश पे कौन रूल करेगा, उनके लिए डिसीजन कौन लेगा. साथ ही साथ उन रूलर्स के ऊपर लोगों का कंट्रोल भी होना चाहिए. कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर एक बार किसी रूलर को चूज कर लिया लोगों ने तो वो जिंदगी भर सेम रूलर रहेगा, ऐसा नहीं है. लोगों का कंट्रोल होना चाहिए उस रूलर के ऊपर कि आज लोगों ने किसी पर्सन को अपने रूलर की तरह इलेक्ट किया है तो लोगों के पास ये पावर है कि अगर वो रूलर सही से काम नहीं करेगा, अगर वो रूलर लोगों के एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करेगा तो जनता के पास ये पावर है कि वो उस रूलर को हटा के किसी और रूलर को ला दे. तो ये कंट्रोल होना चाहिए रूलर्स के ऊपर जनता का. अगर जनता के खिलाफ कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो जनता रूलर के ऊपर दबाव बना के उस डिसीजन को हटवा सकती है. तो इस तरीके का कंट्रोल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों के पास हो एक डेमोक्रेसी में. Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making that affects them all. और एक डेमोक्रेसी में हम ये चीज से मतलब एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि जब भी पॉसिबल हो और जब भी जरूरी हो उस देश के लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाए. वो सारे डिसीजन जो कि जनता को अफेक्ट करेंगे उन डिसीजंस में जनता पार्टिसिपेट कर पाए, ऐसा माहौल होना चाहिए डेमोक्रेसी में. Therefore, the most basic outcome of democracy should be that it produces a government that is accountable to the citizens and responsive to the needs and expectations of citizens. तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी में सबसे बेसिक आउटकम जो है होनी चाहिए, मतलब एक डेमोक्रेसी लाने के बाद जो सबसे पहली चीज हमें दिखनी चाहिए रिजल्ट के तौर पे, वो ये है कि उस देश की गवर्नमेंट ऐसी हो जो कि अपने सिटीजन्स को अकाउंटेबल हो. अकाउंटेबल मतलब कि वो जवाबदेह है, वो आंसरेबल है. अगर गवर्नमेंट ने कोई भी डिसीजन लिया है तो उस डिसीजन की पूरी एक्सप्लेनेशन उसे गवर्नमेंट को अपने सिटीजन्स को देनी होगी और ये इंश्योर करना होगा कि जो भी डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है वो सिटीजन्स के फायदे में ही है. तो सबसे पहली जो आउटकम हम एक्सपेक्ट करते हैं, सबसे पहली चीज जो हम ये उम्मीद लगाते हैं डेमोक्रेसी से कि डेमोक्रेसी में होनी ही चाहिए, वो ये है कि एक ऐसी गवर्नमेंट हो उस देश में जो कि अपने सिटीजन्स के लिए अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिव हो टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स. मतलब कि वो गवर्नमेंट ऐसी हो जो कि अपने सिटीजन्स की जरूरतों को लेकर, अपने सिटीजन्स की एक्सपेक्टेशंस को लेकर रिस्पॉन्सिव हो. ऐसा ना हो कि लोग आवाज लगाए जा रहे हैं कि हमें देश में ये चाहिए, हमें देश में वो चाहिए और गवर्नमेंट मुंह फेर के बैठी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए. गवर्नमेंट अपने जनता की आवाज पे रिस्पॉन्स करे, जो सिटीजन्स जिस चीज की डिमांड कर रहे हैं उसको
गवर्नमेंट कंसीडर करे कि अच्छा हाँ मेरे सिटीजन्स को ये चाहिए तो हम इस पे गौर करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिटीजन्स की डिमांड को गवर्नमेंट पूरे तरीके से इग्नोर कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो अगेन सबसे पहली जो आउटकम हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी डेमोक्रेसी से वो ये है कि उस देश में ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि अकाउंटेबल हो और अपने सिटीजन्स के नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को लेके वो रिस्पॉन्सिव हो, ठीक है, उन पे एक्ट करे। बिफोर वी गो इनटू दिस क्वेश्चन वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफिशियंट, इज इट इफेक्टिव। सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। अब इससे पहले कि हम इस सवाल पे गौर करें कि क्या डेमोक्रेसीज दुनिया भर में एक्चुअली में अकाउंटेबल गवर्नमेंट दे रही हैं, क्या डेमोक्रेसीज में जो गवर्नमेंट है वो एक्चुअली अपने लोगों के नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को रिस्पॉन्ड कर रही है या नहीं, इस चीज को देखने से पहले एक सवाल खड़ा होता है। वो सवाल ये है कि क्या हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या हमारी डेमोक्रेसी से ये जो एक्सपेक्टेशन है कि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्या ये एक्सपेक्टेशन ठीक है भी या नहीं है। कहने का मतलब ये है, डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है उसके बेसिस पे हमने ये अंदाजा लगाया कि भाई डेमोक्रेसी से क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं। हमने ये एक्सपेक्ट किया कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन वगैरह के हिसाब से, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल, डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से देश में ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिव हो, जो कि अकाउंटेबल हो। हमने ये एक्सपेक्टेशन तो लगा ली। अब हमें ये देखना है कि हमने ये जो एक्सपेक्टेशन बनाई है, हमने ये जो उम्मीद लगाई है कि एक रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट हो, क्या ये उम्मीद ठीक भी है, क्या एक रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट होना सही होता भी है कि नहीं, अच्छा होता भी है कि नहीं। जब हम ये देख लेंगे कि ये हमारी एक्सपेक्टेशन सही है, उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि क्या दुनिया भर की डेमोक्रेसीज रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल हैं कि नहीं। समझ रहे हो, मतलब कि हमने सबसे पहले डेफिनेशन के हिसाब से अगेन क्या एक्सपेक्ट किया कि एज पर द डेफिनेशन देयर शुड बी अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ पीपल, नीड्स ऑफ सिटीजन्स। ये हमने एक्सपेक्टेशन लगाई, बट क्या ये हमारी एक्सपेक्टेशन सही है या नहीं, हमें सबसे पहले ये देखना है। जब हम ये चेक कर लेंगे कि हमारी एक्सपेक्टेशन सही है या गलत, ठीक है, अल्टीमेटली सही ही निकलेगी, है ना। तो जब हम ये चेक कर लेंगे कि हाँ हमारी ये एक्सपेक्टेशन जो है एक रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट की, जब वो सही है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या दुनिया भर की डेमोक्रेसीज हकीकत में जनता को ऐसी गवर्नमेंट दे भी रही हैं जो कि अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव है, राइट। कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है, ऐसी गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी में होती है वो लेस प्रोडक्टिव होती है। तो कुछ लोगों का तो ये मानना है कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है वो अच्छी नहीं होती। इट इज ऑफ कोर्स ट्रू दैट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट हैव टू बदर अबाउट डेलिब्रेशन इन असेंबलीज और वरी अबाउट मेजोरिटीज इन पब्लिक ओपिनियन। अब देखो, ये जो लोग कह रहे हैं कि क्या मतलब, ये जो लोग बोल रहे हैं कुछ लोग कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो अच्छी नहीं होती, तो अब हमें देखना है कि क्या ये लोग सही हैं या गलत हैं, राइट। तो होता क्या है कि देखो, ये बात तो सच है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होते हैं, ऐसे देशों के रूलर्स जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, उन देशों के रूलर्स को, उन राजाओं को इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो असेंबलीज में डेलिब्रेशन कर रहे हैं या नहीं। डेलिब्रेशन क्या होता है? डेलिब्रेशन होता है सोचना, विचार करना, विमर्श करना, किसी भी चीज के ऊपर सोचना, डिस्कशन करना, उस पर टाइम लगाना कि क्या सही है क्या गलत, तो दैट इज डेलिब्रेशन। सो ये जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होते हैं, उनको इस चीज के बारे में टेंशन नहीं लेनी पड़ती है कि वो किसी भी मुद्दे के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं या नहीं, किसी भी मुद्दे के बारे में वो लोगों से विचार विमर्श कर रहे हैं या नहीं, उनको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि जो मेरा डिसीजन है वो ज्यादातर लोगों को एक्सेप्टेबल है या नहीं, उनको इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो राजा हैं, दे आर द रूलर्स, दे डोंट हैव टू थिंक अबाउट द पीपल्स ओपिनियन। अब क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक देशों में जो रूलर्स हैं उनको टेंशन नहीं लेनी पड़ती किसी भी डिसीजन से पहले उस पर विचार विमर्श करने की, उस डिसीजन को लेकर पब्लिक की क्या राय है, इन सब चीजों के रिलेटेड उसको टेंशन नहीं लेनी पड़ती। इसीलिए जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होते हैं वो बहुत जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं एंड उन डिसीजंस की इंप्लीमेंटेशन भी बहुत जल्दी हो जाती है।
डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशंस। वहीं अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी जो है वो एक ऐसा आइडिया है जो कि डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन पे बेस्ड है। डेलिब्रेशन मतलब विचार विमर्श करना, कि आप कोई भी डिसीजन लोगे उससे पहले यू विल हैव टू डिस्कस, आपको उस पर सोचना पड़ेगा, आपको उसके चारों तरफ हर एक स्फीयर में देखना पड़ेगा कि उस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, किन लोगों को वो किस तरीके से अफेक्ट करेगा, यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट। नेगोशिएशंस कि भाई कोई डिसीजन लेने से पहले एक ग्रुप ऑफ पीपल कुछ कह रहा है, दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल कुछ कह रहा है, तो सारे लोगों के बीच में एक नेगोशिएशन होना चाहिए, एक एक तरीके से एक बैलेंस होना चाहिए। सारे लोगों की बातें सुनने के बाद एक ऐसा डिसीजन आना चाहिए जो कि सबको एक्सेप्टेबल हो। तो ये है डेमोक्रेसी का रूल। डेमोक्रेसी के हिसाब से ऐसा सिस्टम हो जिसमें डेलिब्रेशन भी हो एंड नेगोशिएशंस भी हो। सो सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, जब हमें डिस्कशन करनी पड़ेगी, जब हमें डेलिब्रेशन करना पड़ेगा, नेगोशिएट होगा। नेगोशिएट मतलब जैसे मोल भाव करते हैं, सारे ग्रुप्स अपनी अपनी बातें रखते हैं, एक एक मोल भाव करने की कोशिश करते हैं ना। तो जब डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन होगा तो टाइम लगेगा, डिस्कशंस होंगी कि तुम ये कह रहे हो, हर एक की राय सुनी जाएगी, कौन सा पक्ष क्या कह रहा है। इन सब की वजह से क्या होगा, टाइम लगेगा। डज दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनइफिशियंट? और क्या इसकी वजह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनइफिशियंट बन जाती है? मतलब हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स हैं वो तुरंत ऐसे चुटकियों में डिसीजन ले लेते हैं, उनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, किसको बुरा लगेगा, किस पे क्या असर पड़ेगा, वो ज्यादा नहीं सोचते, वो बस डिसीजन ले लेते हैं। वहीं डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में किसी भी डिसीजन को बहुत सोच समझ के लिया जाता है और उस पर टाइम लगता है। तो क्या डेमोक्रेसी में ये जो डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है इसकी वजह से डेमोक्रेसी खराब बन जाती है? लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। तो इस चीज को हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, कॉस्ट के टर्म्स में समझते हैं कि क्या कीमत है टाइम लगाने की डेमोक्रेसी में। डिसीजन मेकिंग में जो टाइम लग रहा है, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए जो लंबा समय लगता है, ये कितना वर्थ इट है, इसकी कॉस्ट क्या है? इमेजिन अ गवर्नमेंट दैट मे टेक डिसीजंस वेरी फास्ट। तो एक ऐसी गवर्नमेंट के बारे में सोचो जो कि ऐसे चुटकियों में डिसीजन ले ले, बहुत जल्दी डिसीजन ले ले, ठीक है, बट इट मे टेक डिसीजंस दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल एंड मे देयरफॉर फेस प्रॉब्लम्स। बट वो गवर्नमेंट जो एकदम चुटकियों में डिसीजन ले रही है, हो सकता है वो कोई ऐसा डिसीजन ले ले जिसे कि लोग स्वीकार ना करें, जिसको लोग एक्सेप्ट ना करें, एंड इसकी वजह से हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएं। मतलब मान लो किसी देश में कोई डिसीजन ला दिया बट लोग उसके साथ हैं ही नहीं, डिसीजन के साथ ही नहीं है, और लोग एकदम धरने पे चले गए, लोग गवर्नमेंट के एकदम खिलाफ हो गए, तो बहुत खराब सिचुएशन जो है आ सकती है। इन कॉन्ट्रास्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर्स बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन। इसके विपरीत एक ऐसा सिचुएशन सोचो, एक ऐसा देश सोचो जहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अब क्योंकि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो वो कोई भी डिसीजन को प्रोसीजर से होके ही लेगी, किसी भी डिसीजन को लेने से पहले वो एक पूरे प्रोसीजर के थ्रू गुजरेगी, वो बहुत ज्यादा विचार करेगी, विमर्श करेगी, अलग अलग लोगों से पूछेगी उनकी क्या राय है, अलग अलग जो सोसाइटी के ग्रुप्स हैं उनकी राय लेगी, और इसकी वजह से क्या होगा, डिसीजन को लेने के लिए टाइम लग जाएगा। बट बिकॉज इट हैज फॉलोड प्रोसीजर्स डिसीजन मे बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव। बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होगा, क्योंकि जो डिसीजन है वो सबसे पूछ के लिए हैं, सबकी राय मशवरे से लिए हैं, तो जो डिसीजन है वो ऐसा डिसीजन होगा, एक ऐसे डिसीजन की पॉसिबिलिटी होगी जो कि ज्यादातर लोग उसको स्वीकार करें एंड ज्यादा इफेक्टिव डिसीजन बन के आएगा वो। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इज परहैप्स वर्थ इट। तो हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में ये जो समय लगाया जा रहा है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, वो कहीं ना कहीं वर्थ इट है, मतलब सफल है वो। क्योंकि भले ही आप चुटकियों में डिसीजन ले रहे हो, भले ही आप सेकंड्स में डिसीजन ले रहे हो, बट उसका कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि लोग उस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में डिसीजन तो बहुत जल्दी जल्दी लिए जा रहे हैं, बट वो डिसीजन ज्यादातर लोग को खुश नहीं कर पा रहे, उससे ज्यादातर लोग दुखी हैं। वहीं डेमोक्रेसी में डिसीजन थोड़ा टाइम ले रहे हैं, बट जैसे ही भले ही टाइम लग रहा है बट जो डिसीजन आ रहे हैं उनसे ज्यादातर लोग खुश हैं। तो लोगों की खुशी मैटर करती है ना, अल्टीमेटली डिसीजन तो लोगों के लिए लिया जा रहा है, तो भले ही डेमोक्रेसी में टाइम लग रहा है बट फिर भी वो बेहतर है, अच्छा है। तो जो टाइम है, टाइम क्या है, कॉस्ट। डेमोक्रेसी में डिसीजन के लिए क्या कीमत पे की जा रही है, टाइम, समय लगाया जा रहा है।
तो वो जो समय लगाया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है डिसीजन मेकिंग में, वो वर्थ इट है, वो मतलब अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो डिसीजन हो रहा है, अल्टीमेटली जो डिसीजन निकल के आ रहा है, वो लोगों को फायदा पहुंचाएगा। नाउ लुक एट द अदर साइड, अब एक दूसरा पहलू देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, टाइम लगता है, एंड डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, वो डिसीजंस को लेने से पहले पूरे नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करती है। सो अ डिसीजन, अ सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर कैन फाइंड दिस आउट। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई सिटीजन ये जानना चाहती है कि जो डिसीजन लिया गया है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, वो करेक्ट प्रोसीजर्स को फॉलो करके लिया गया है कि नहीं, तो वो सिटीजन ये चेक कर सकती है। शी हैज द राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो हमारे देश के हर एक सिटीजन के पास ये राइट है कि वो ये चेक कर सकते हैं कि हमारे देश की गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है, वो सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करके ले रही है कि नहीं। दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी, और इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी। मतलब कि सारी चीजें आर पार दिख रही हैं, क्लियर है सब कुछ, कहीं धुंधला नहीं है, कोई चीज छुपाई नहीं जा रही। हम प्रॉपरली एग्जामिन कर सकते हैं कि किस तरीके से डिसीजन लिए जा रहे हैं, क्या डिसीजन मेकिंग में कोई घपला तो नहीं किया जा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जा रहे, तो ये हम चेक कर सकते हैं। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी, कि सारी चीजें एकदम आर पार है, कोई चीज छुपी नहीं हुई, हम सारा प्रोसीजर क्लियरली चेक कर सकते हैं। दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और ये जो चीज है ना, ये ज्यादातर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में छुपी हुई होती है, गुम होती है, छुपी नहीं, गुम होती है। मतलब ज्यादातर नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस में आपको ये देखने मिलेगा कि वहां पे सबसे पहले तो कोई प्रोसीजर, नॉर्म वगैरह फॉलो नहीं किया जाता डिसीजन मेकिंग के लिए। दूसरा, लोगों के पास ये राइट ही नहीं है कि वो चेक कर सके कि हमारे देश के लीडर ने, हमारे देश के रूलर ने डिसीजन लिया कैसे। तो नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस में लोगों के पास ये राइट नहीं होता कि वो चेक कर सके कि डिसीजन को कैसे लिया जा रहा है, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। देयरफॉर व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज राइट टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट फॉलोज अ प्रोसीजर एंड इज अकाउंटेबल टू द पीपल। इसीलिए जब हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स को देखना चाह रहे हैं, जब हम ये देखना चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की वजह से क्या क्या रिजल्ट आए हैं, कैसे रिजल्ट आए हैं, उनको देखने से पहले ये एक्सपेक्ट करना कि ऐसी गवर्नमेंट होगी कि जो प्रोसीजर्स को फॉलो करेगी, जो कि अकाउंटेबल होगी, ऐसी गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन लगाना ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे बताया था ना कि हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि जो हमने एक्सपेक्टेशन लगाई है वो कितनी सही है। तो अब इतना कुछ हमने पढ़ा कि देखो, हमने एग्जाम्पल लिया, हमने कंपेयर करके देखा कि एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग कैसे होती है एंड एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भले ही बहुत जल्दी डिसीजन ले लिए जाते हैं, बट ज्यादातर क्या देखने मिलता है कि वो डिसीजंस जनता को अच्छे नहीं लगते। वहीं डेमोक्रेसी में क्या होता है, डिसीजंस भले ही टाइम लेके लगते हैं बट वो अच्छे डिसीजंस होते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस में क्या होता है, प्रोसीजर्स वगैरह फॉलो नहीं किए जाते और लोगों के पास ये राइट नहीं है कि वो क्लियरली चेक कर सके, क्वेश्चन उठा सके कि आपने डिसीजन कैसे लिया है। बट जो डेमोक्रेटिक नेशंस होते हैं उनमें सिटीजंस के पास ये राइट है कि वो देख सके कि हमारे देश की गवर्नमेंट कैसे डिसीजन ले रही है, तो देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी। तो इस सबसे हमें पता चला कि एक ऐसी गवर्नमेंट होना जो कि अकाउंटेबल है, जो कि रिस्पॉन्सिव है, जो कि ट्रांसपेरेंट है, ऐसी गवर्नमेंट होना अच्छी बात है। और हमने शुरुआत में ही ये एक्सपेक्ट किया था, हमने जब डेफिनेशन देखी डेमोक्रेसी की, कि भाई डेमोक्रेसी के डेफिनेशन के हिसाब से एक ऐसी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट की जा रही है जो कि रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल हो, तो क्या ये एक्सपेक्टेशन लगाना सही है। तो अब इतना कुछ पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हाँ, डेमोक्रेसी से एक ऐसी गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन लगाना बिल्कुल सही है। एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो कि रिस्पॉन्सिव है, अकाउंटेबल है, ट्रांसपेरेंट है, ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही है। तो अब जब हम चेक करेंगे तो हम बिंदास होकर चेक करेंगे कि क्या जो देश कह रहे हैं कि वो डेमोक्रेटिक हैं, क्या उन देशों में गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, क्या उन देशों में गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट है, क्या उन देशों में गवर्नमेंट नॉर्म्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स फॉलो कर रही है डिसीजन मेकिंग से पहले। तो अब हम ये एकदम खुल के चेक कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब जब हम आउटकम्स को चेक करेंगे तो हम बिल्कुल ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करे सिटीजंस के लिए जिनके थ्रू जो सिटीजंस हैं वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा सके, गवर्नमेंट पे सवाल उठा सके, उससे सवाल पूछ सके कि आपने क्यों किया है, किस लिए किया है। इसके साथ साथ जो
हमारी एक्सपेक्टेशन है वो ये भी रहेगी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसा मैकेनिज्म भी तैयार करें जिसमें सिटीजन्स डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाए, कि जब भी उनको सही लगे जो लोग हैं जो सिटीजन्स हैं वो इजीली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाए, तो ऐसा मैकेनिज्म भी होना जरूरी है. इफ यू वॉन्टेड टू मेजर डेमोक्रेसीज ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेक्टेड आउटकम यू वुड लुक एट यू वुड लुक फॉर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस. तो अब जब हमें ये पता चल गया कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है डेमोक्रेसी से, कि अकाउंटेबल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पॉलिसीज प्रोसीजर्स को फॉलो करनी चाहिए, इसके साथ साथ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके थ्रू सिटीजन्स गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा सकें, ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके थ्रू सिटीजन्स डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें. तो अब हम ये कैसे चेक करेंगे, अब हम ये कैसे देखें कि क्या उस देश में गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, क्या उस देश में गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट है, क्या उस देश में गवर्नमेंट ने सही मैकेनिज्म लगा रखे हैं कि नहीं अकाउंटेबिलिटी के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए. तो ये हम कैसे चेक करेंगे, तो हमें कुछ चीजें देखनी होंगी, कुछ प्रैक्टिसेस देखनी होंगी, कुछ इंस्टीट्यूशंस को चेक करना होगा. अगर वो प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस देश में हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट है, राइट. मतलब अब जब हम देशों के पास चेक करने जाएंगे कि हाँ जी बताओ आप डेमोक्रेटिक हो या नहीं, तो हम क्या क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि उस देश में कौन से प्रैक्टिस फॉलो की जाती है, कौन से इंस्टीट्यूशंस फॉलो किए जाते हैं. तो अभी हम देखेंगे क्या क्या देखना है, तो वो सब जब हम देखेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि अच्छा ये देश जो है वो सही तरीके से डिसीजन ले रहा है. तो क्या क्या वो इंस्टीट्यूशंस है, क्या क्या वो प्रैक्टिसेस है जो हमें चेक करनी है. रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, सबसे पहले तो हमें क्या देखना है कि देश में रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं कि नहीं, इससे हमें क्या पता चलेगा, ट्रांसपेरेंसी पता चलेगी. अगर उस देश में इलेक्शंस सही से हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट है. ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस, ज्यादातर जो पॉलिसीज हैं लेजिस्लेशंस हैं उन पे ओपन पब्लिक डिबेट हो रहा है, मतलब जनता के आगे डिबेट एंड डिस्कशन हो रहा है. सिटीजन्स राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, सिटीजन्स के पास ये राइट है कि नहीं कि वो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को लेकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके. तो क्या जनता के पास ये राइट है कि वो गवर्नमेंट के काम को लेकर इंफॉर्मेशन निकलवा सके कि बताओ आपने ये काम कैसे किया है. अगर ये सारी चीजें होंगी तो हम कह देंगे कि वो गवर्नमेंट क्या है, ऐसी गवर्नमेंट है जो कि ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है, जो भी हमने पढ़ा है ना, जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन थी. तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये हमारी एक्सपेक्टेड जो आउटकम्स हैं उनसे मैच खा रही है, राइट. तो क्या क्या होनी चाहिए चीजें, फ्री रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस, एंड राइट टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए लोगों के पास. द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसीज शोज अ मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑन दिस. अब देखो हमने ये तो कह लिया कि अच्छा हमें ये चीजें चेक करनी है. जब हम चेक करने के लिए गए, जब हमने एक्चुअली में डेमोक्रेसीज को देखा, तो हमें ये पता चला कि डेमोक्रेसीज ना एक मिक्स सा रिकॉर्ड दिखा रही हैं. मतलब कहीं पे कुछ चीजें हैं, कहीं पे कुछ चीजें नहीं है, थोड़ा मिक्स सा माहौल है. सारी चीजें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना वो एज इट इज नहीं दिख रही डेमोक्रेसीज में. डेमोक्रेसीज हैव हैड ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस एंड इन सेटिंग अप कंडीशंस फॉर ओपन पब्लिक डिबेट. ज्यादातर जो डेमोक्रेसीज हैं उनमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बहुत ही अच्छे से हो रही हैं. ज्यादातर डेमोक्रेसीज रेगुलर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को, रेगुलर एंड फ्री, यहाँ पे फेयर की बात नहीं आई अभी, ठीक है, अब फेयर को हम नीचे डिस्कस करेंगे. तो ये चीज हाईलाइट करो कि यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी, ज्यादातर जो डेमोक्रेसीज हैं वो रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस जो हैं वो सक्सेसफुली कंडक्ट करवा देती हैं, एंड वो पब्लिक डिबेट के लिए भी कंडीशन सेट करवा रही हैं. इस चीज में ज्यादातर डेमोक्रेसीज खरी उतर रही हैं कि रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं, फ्री इलेक्शंस हो रहे हैं, पब्लिक डिबेट भी हो रहा है. बट मोस्ट डेमोक्रेसीज फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शंस दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस टू एवरीवन एंड इन सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट. बट ज्यादातर डेमोक्रेसीज जो हैं वो हर एक लोग को, हर एक पर्सन को फेयर चांस नहीं दे पा रही हैं इलेक्शंस में लड़ने का, और ना ही वो हर एक डिसीजन को पब्लिक डिबेट के थ्रू ले जा पा रही हैं. सो ऊपर जब हमने अभी चेक किया था कि कौन कौन से प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, उसमें हमने देखा था कि देशों में जो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं उनमें रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए. अब इसमें से हमें क्या देखने मिला कि रेगुलर इलेक्शंस तो हो रहे हैं ज्यादा डेमोक्रेसीज में, फ्री इलेक्शंस भी हो रहे हैं, बट फेयर इलेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं. फिर हमने देखा था कि क्या चीज होनी चाहिए, ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस.
जो बड़ी पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस होती हैं उन पे ओपन डिबेट होना चाहिए, पब्लिक में डिबेट होना चाहिए। तो हमें क्या देखने मिला, कुछ तो ऐसे डिसीजंस हैं जिन पे पब्लिक डिबेट हो रहा है, बट सारे डिसीजंस पे पब्लिक डिबेट नहीं हो रहा है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद सिटीजंस। इसके साथ साथ जो तीसरी चीज हमने देखी थी कि लोगों के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, अगर इसकी बात करें तो ज्यादातर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपने सिटीजन्स को सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हैं, या वो सिटीजन्स के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रही हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि ज्यादातर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स राइट टू इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली जनता को नहीं दे रही हैं। ज्यादातर डेमोक्रेटिक नेशंस में जो लोग हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पा रहे, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। ऑल वन कैन से इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक रिजीम्स इज दैट दे आर मच बेटर देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम इन दीज रिस्पेक्ट्स। तो देखो, अब हमने ये तो देख लिया कि एक परफेक्ट डेमोक्रेटिक नेशन होने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए थी। हमें रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहिए थे, हमें सारे जो डिसीजंस हैं उन पे पब्लिक डिबेट होना चाहिए था, एंड तीसरा राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था। जब हमने चेक किया तो हमने क्या पाया कि रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस तो हो रहे हैं, फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे। कुछ पब्लिक जो डिसीजंस हैं उन पे डिबेट तो हो रहा है, पब्लिक डिबेट हो रहा है, बट सारे डिसीजंस पे डिबेट नहीं हो रहा। तीसरा ये कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिक के साथ शेयर नहीं की जा रही। तो मतलब कि ज्यादातर डेमोक्रेटिक नेशंस परफेक्टली हमारे क्राइटेरिया पे खरे नहीं उतर रहे। बट इन सारी कमियों के बावजूद भी हम बस ये कह सकते हैं डेमोक्रेटिक रिजीम्स के फेवर में कि वो बाकी नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स से बेहतर हैं इन एस्पेक्ट्स में। कैसे बेहतर हैं कि देखो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कम से कम रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस तो हो रहे हैं। जो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स हैं जहां पे राजा बैठा है वहां पे तो इलेक्शंस का नामो निशान ही नहीं है। फ्री रेगुलर तो छोड़ो, फेयर तो छोड़ो, वहां पे इलेक्शंस ही नहीं होते, और इलेक्शंस होते भी हैं तो नाम मात्र होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं, राइट। इसके साथ साथ जो नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस होते हैं वहां पे अगेन डिसीजन मेकिंग में जनता की राय पूछी ही नहीं जाती। राजा मोनार्क या जो लीडर है वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले लेता है। अब डेमोक्रेटिक नेशंस में एटलीस्ट कुछ पब्लिक चीजों पे तो डिबेट हो रहा है ना, सब में नहीं बट हम ऐसा तो कह सकते हैं ना, चलो कुछ में तो हो रहा है। तो ये फायदा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो किसी पे भी डिस्कस नहीं कर रही, किसी भी पॉलिसी पे लेजिस्लेशन पे डिस्कशन कर नहीं रही। वही तीसरी जो हमने चीज देखी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भले ही सारी इन्फॉर्मेशन शेयर ना कर रही हो बट वो कुछ तो शेयर कर रही हैं। जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वो तो कुछ भी शेयर नहीं कर रही। तो जब हम ऐसे कंपैरिजन करते हैं ना तो हमें ये लगता है, हमें ये समझ आता है कि चाहे कुछ भी हो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में अभी कमियां हैं पता है, बट फिर भी इतनी कमियां होने के बावजूद भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो हैं वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बेहतर हैं। अब हम और एक्सपेक्टेशंस की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि हमने तो और भी चीजें एक्सपेक्ट की थी ना डेमोक्रेसी से। तो क्या है वो, इन सब्सटेंटिव टर्म्स इट मे बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी अ गवर्नमेंट दैट इज अटेंटिव टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल एंड इज लार्जली फ्री ऑफ करप्शन। तो बाकी जो कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो हम डेमोक्रेसी से लगा सकते हैं वो ये है कि हम डेमोक्रेसी से एक ऐसी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि अटेंटिव हो, जो कि लोगों की जरूरतों को सुने समझे, लोगों के डिमांड्स को सुने, और वो करप्शन से मुक्त हो, उसमें जो भ्रष्टाचार है वो ना हो। ये हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। बट इस एक्सपेक्टेशन को लेकर जब हम गए और हमने जब सच में चेक किया डेमोक्रेसीज को तो हमें क्या देखने मिला, द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसीज इज नॉट इम्प्रेसिव ऑन दीज टू काउंट्स। जो डेमोक्रेसीज हैं वो बहुत अच्छा नहीं कर रही हैं इन मामलों में। किन मामलों में, वो अटेंटिव नहीं है और वो करप्शन मुक्त भी नहीं है। मतलब ये जो हमने दो क्राइटेरिया देखे कि द गवर्नमेंट शुड बी अटेंटिव टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ पीपल एंड इट शुड बी लार्जली फ्री ऑफ करप्शन। व्हेन वी वेंट टू चेक वेदर द मेजर डेमोक्रेसीज आर फुलफिलिंग दीज एक्सपेक्टेशंस और नॉट, वी गॉट टू नो दैट मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज आर नॉट एबल टू मीट दीज एक्सपेक्टेशंस। ज्यादातर जो डेमोक्रेसीज हैं वो इन उम्मीदों पे खरी नहीं उतर रही। डेमोक्रेसीज ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ द पीपल एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। डेमोक्रेसीज क्या करती हैं, ज्यादातर ये पाया गया कि डेमोक्रेसीज जो हैं वो लोगों की जरूरतों पे ध्यान देती ही नहीं है, लोगों की जो जरूरतें हैं, लोगों की जो डिमांड्स हैं, मांगे हैं, उनको इग्नोर कर देती हैं।
The routine tales of corruption are enough to convince us that democracy is not free of this evil. और रही बात करप्शन की, तो ये बात तो जग जाहिर है कि जब हम रोज न्यूज पे देखते हैं, नए नए किस्से हमें देखने मिलते हैं कि कितना ज्यादा करप्शन हो रहा है, किसने किससे घूस ले ली, ब्राइब ले ली, और किस तरीके से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो कैसे ढल जाते हैं, गिर जाते हैं, एक महीना हुआ नहीं उद्घाटन का और वो बड़े से बड़े ब्रिज जो हैं मिट्टी में मिल जाते हैं, तो ये सब किसका रिजल्ट है? करप्शन का ही तो है। तो जो हम अपने आसपास कहानियां सुनते हैं, न्यूज देखते हैं, उससे ये चीज तो बहुत क्लियर है कि डेमोक्रेसीज जो हैं उनमें करप्शन घुसा पड़ा है। डेमोक्रेसीज, ज्यादातर डेमोक्रेसीज जो हैं, दे आर नॉट फ्री ऑफ करप्शन। एट द सेम टाइम देर इज नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेसीज आर लेस करप्ट और मोर सेंसिटिव टू द पीपल। बट रही बात हमारे कंपेरिजन की कि हम डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक को जब कंपेयर करते हैं, तो भले ही अभी हमें डेमोक्रेटिक नेशंस के मामले में ये देखने मिला कि डेमोक्रेटिक नेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं हैं लोगों की डिमांड, लोगों की नीड्स को लेकर, और डेमोक्रेटिक नेशंस में करप्शन भी देखने मिल रहा है। बट जब हम बात करते हैं नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस की ना, तो कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसा मतलब स्टडी या कोई क्लियर ऐसा डेटा नहीं है जो कि हमें ये शो करे कि नॉन डेमोक्रेसीज में ये कमियां नहीं है। मतलब जो कमियां हमें डेमोक्रेटिक नेशन में दिखाई दे रही हैं वो नॉन डेमोक्रेसीज में हैं ही, वो नॉन डेमोक्रेसीज में भी हैं। नॉन डेमोक्रेसीज में भी ये देखने मिलता है कि वो करप्ट हैं, वो लोगों की डिमांड्स पे ध्यान नहीं देती हैं। तो मतलब कि कोई ऐसा डेटा नहीं है जो कि हमें ये बता सके कि नॉन डेमोक्रेसीज बेहतर हैं, नॉन डेमोक्रेसीज करप्ट नहीं है, या जो नॉन डेमोक्रेटिक नेशन है वो अपने लोगों की बात सुन रही है, ऐसा कहीं पर हमें नहीं दिखाई दिया। तो जब हम कंपेरिजन की बात करते हैं, तो अगेन हम कह नहीं सकते इस मामले में बहुत ज्यादा कि कौन बेहतर है, ठीक है, क्योंकि इसमें डेमोक्रेटिक नेशंस भी एकदम उजड़े पड़े हैं, नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस की तो बात ही मत करो, क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक, जब डेमोक्रेटिक नेशंस में ये सारी चीजों का इतना बुरा हाल है, लोगों की बातों को नहीं सुना जा रहा, तो नॉन डेमोक्रेटिक नेशन से तो हम क्या ही उम्मीदें लगाएंगे। वहां तो राजा बैठा है जो तो डिसीजन पूछ के भी नहीं लेता, जो तो डिसीजन को डिस्कस करके भी नहीं लेता, तो उनसे तो हमारी उम्मीदें ही नहीं है। बट फिर भी अगेन हम यही कहेंगे कि डेमोक्रेटिक नेशंस फिर भी बेहतर हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फिर भी बेहतर है, क्योंकि एटलीस्ट उसमें कुछ तो चीज़ें बेटर हो रही हैं, कुछ डिसीजंस तो उसमें फिर भी सोच समझ के लिए जा रहे हैं, भले ही करप्शन है बट उसके खिलाफ कार्रवाई तो होती है, भले ही लोगों की डिमांड को सुना नहीं जा रहा बट लोगों के पास ऐसा मैकेनिज्म है कि लोग अपनी बातों को सुनवा सकें, राइट। मतलब मान लो हमारे देश के लोगों की कोई डिमांड है और उसको गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, तो लोगों के पास ये अधिकार है कि वो धरना दें, वो प्रोटेस्ट करें, वो रैली निकालें और वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाएं कि गवर्नमेंट उनकी आवाज सुने, और गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा। जब हम नॉन डेमोक्रेटिक नेशन की बात करते हैं, तो क्या नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस में जो जनता है वो इस तरीके से अपने रूलर के खिलाफ आवाज उठा सकती है? नहीं, रूलर उनको गोली से उड़वा देगा, उनको जेल में डाल देगा। अगर कोई पर्सन अपनी डिमांड को लेकर धरना करेगा, प्रोटेस्ट निकालेगा, तो रूलर क्या करेगा? उन लोगों को पनिश कर देगा। इस तरीके की चीजें हमें देखने मिलती हैं। तो फिर जब हम कंपेयर करते हैं, तो हम यही कहेंगे कि भाई डेमोक्रेटिक नेशंस ही बेटर हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम बेटर है। देयर इज वन रिस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टेनली बेटर देन इट्स ऑल्टरनेटिव। अब एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें कि हम ये चीज दावे से कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बाकी गवर्नमेंट से बेहतर हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। लेजिटिमेट मतलब जो कि सही हो, कानूनी तौर पे सही हो, जो वैध हो, सही हो बेसिकली। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो सही है। इट मे बी स्लो, लेस इफिशियंट, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन। हो सकता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो स्लो है, धीरे धीरे काम करती है, धीरे धीरे डिसीजंस लेती है, बहुत ज्यादा इफिशियंट नहीं है, सारी चीज अच्छे से लागू नहीं होती हैं, और हो सकता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ज्यादातर वो रिस्पॉन्सिव ना हो, लोगों की डिमांड ना सुने। बट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। जो एक चीज अच्छी है इन सारी कमियों के बावजूद, वो ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है लोगों की खुद की गवर्नमेंट है। दैट इज वाई देर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसीलिए यही रीजन है कि जो डेमोक्रेसी है उसको दुनिया भर में सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलती है और इतने ज्यादा बड़े लेवल पे मिलती है, कि भले ही इतनी सारी कमियां हैं बट एट लास्ट वो क्या है, वो लोगों की खुद की गवर्नमेंट है। लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, लोग वोट देते हैं, अपने रूलर को चुनते हैं। अगर रूलर उनकी बात नहीं सुन रहा तो कोई बात नहीं, अगले इलेक्शन में वो हटा देंगे, किसी और को वोट दे देंगे। लोगों के पास ये पावर है, और इसीलिए ज्यादातर जो देश हैं उनमें ज्यादातर जो लोग हैं वो इस डेमोक्रेसी के सिस्टम को सपोर्ट करते हैं।
As the accompanying evidence from South Asia shows, the support exists in countries with democratic regimes as well as countries without democratic regimes. तो साउथ एशिया में एक तरीके से जब ये सर्वे किया गया या पता लगाया गया कि ज्यादातर लोग किस तरीके के सिस्टम के फेवर में हैं, तो ये पता लगा कि चाहे नेशन डेमोक्रेटिक है चाहे नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, इन सभी नेशंस के लोग जो हैं, जो जनता है, जो सिटीजन्स हैं, वो डेमोक्रेटिक के फेवर में है। मतलब डेमोक्रेसी वाले देश के लोग तो समझ आते हैं वो डेमोक्रेसी के फेवर में है, जो नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस के लोग हैं वो भी डेमोक्रेसी वाले सिस्टम के फेवर में है, वो भी ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी चीज है, होनी चाहिए। पीपल विश टू बी रूल्ड बाई रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाई देम। ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि उनके ऊपर रूल करने वाला पर्सन वो हो जिनको वो खुद चुन के भेजें, अपने रूलर को लोग खुद चुन के लाना चाहते हैं। दे ऑल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सुटेबल फॉर देयर कंट्री। और ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि डेमोक्रेसी उनके लिए सुटेबल है। इवन इन द कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक, उनमें भी लोग यही मानते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम उनके लिए बेहतर रहेगा। डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इट सेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। अब देखो, डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जो कि ज्यादातर देशों में लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस हैं उनमें भी लोग डेमोक्रेसी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो अपने आप में ये चीज दिखाती है कि ये कितना पावरफुल सिस्टम है, कितना बेहतर सिस्टम है। तो इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि डेमोक्रेसी इतनी बेहतर लेवल पे लोग इसको सपोर्ट करते हैं। सो पहला जो फीचर था जो हमने देखना था कि भाई हर एक डेमोक्रेसी में होना चाहिए, वो था अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो अगर कोई भी डेमोक्रेटिक नेशन है, या यूं कहें कोई भी देश जो कह रहा है कि वो डेमोक्रेटिक है, तो उसमें हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि क्या उस देश की गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है, क्या वो गवर्नमेंट लेजिटिमेट है। अगर है तो हम कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक नेशन है। अभी और भी फीचर्स होने चाहिए जो हम आगे सेक्शन में पढ़ेंगे, और ये सारे फीचर होने चाहिए, जैसे अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव लेजिटिमेट गवर्नमेंट। उसके बाद हम देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है कि नहीं नेशंस में, कि अगर कोई देश कह रहा है कि वो डेमोक्रेटिक है तो उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम इक्वालिटी की बात करेंगे कि क्या इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी का रिडक्शन है कि नहीं। तो इन सारे फीचर्स को हम चेक करेंगे और तब जाके हम कहेंगे कि हाँ जो देश है वो डेमोक्रेटिक है या नहीं। तो पहला जो फीचर था वो हमने अच्छे से पढ़ लिया कि अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट होनी चाहिए। और ये हम कैसे चेक करेंगे कि अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट है, वो हमने पूरा पढ़ा कि भाई कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं कि नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं कि नहीं, राइट टू इन्फॉर्मेशन है या नहीं, पब्लिक डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं या नहीं। तो ये सारी चीजें जो हैं होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। तो आई होप कि ये जो पूरा फीचर था ये सही से आपको समझ आ गया होगा और इस सेक्शन में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा।